नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। विधायक की जनसुनवाई कार्यक्रम से जनता को हो रहा लाभ। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर के विधानसभा भितर व रातरी नगर कचहरी मैदान पर प्रत्येक माह की भांति इस माह भी प्रत्येक माह का चौथा शुक्रवार को भाजपा विधायक एवं जनसेवक मोहन सिंह राठौर द्वारा जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें 15 बेटियों को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत 49,000 रुपए की राशि चेक द्वारा विधायक राठौर द्वारा वितरण किए। इस जनसुनवाई में तमाम अधिकारी जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस जनसुनवाई के माध्यम से जनता की समस्या हो रहा समाधान। ग्वालियर से सूरज मलावरिया की रिपोर्ट। जनसुनवाई रखी गई थी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये आज चौथा शुक्रवार है इस माह का। यहाँ जनसुनवाई सदैव चौथे शुक्रवार को होती है, तो पिछली जनसुनवाई में जितने आवेदन आए थे उनका क्या क्या निराकरण हुआ उसकी सूचना सब लोगों को दी गई है, और इस आवेदन इस जनसुनवाई में जितने आवेदन आए हैं उन सबको हमने इकट्ठा किया है। अलग अलग विभागों के हिसाब से उनकी छटनी की जाएगी और संबंधित विभाग को उनको दिया जाएगा ताकि उनका निराकरण समय सीमा में हो सके। और हमारे मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो ये सप्ताह चलाया राजस्व का, उसमें 31 अगस्त तक इन सारे निराकरणों को हम करके देने के लिए संकल्प लिया है। सभी हमारे SDM है, तहसीलदार है, CMO है, CEO है, सारे अधिकारी यहाँ मौजूद थे जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, और इसमें लगातार सफलताएं हमको मिली। मेरे ख्याल से अभी काउंटिंग उनकी चल रही है, मुझे लगता है 100-200-250 आवेदन प्राप्त। ये विद्युत विभाग की सातरी के लिए बहुत बड़ा त्रासदी है इस वक्त, क्योंकि यहाँ पानी का जो साधन है वो मोटरों से चलता है, लाइट यहाँ आती नहीं है। तो उसके संबंध में मैंने हमारे सी साहब से बात की, पहले एसी साहब से बात की थी, तो मुझे लगता है कि माननीय मंत्री से चर्चा करके इसके समाधान करने की दिशा में हम 2-3-4 दिन में अपना काम करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको बहुत बहुत बहनों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को इस बात की बधाई देता हूं कि रक्षाबंधन के त्योहार पर सभी बहनों को अतिरिक्त राखी बांधने के लिए अतिरिक्त जो भाई की तरफ से एक सौगात होती है वो 250 रुपए की सौगात दी है। मैंने अभी बहनों से पूछा भी था, सारी बहनें उसे बहुत आनंदित हैं। हम सब उनका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से।